21 फरवरी शुक्र का राशि परिवर्तन आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो की जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को कम से कम एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही यदि कोई समस्या हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। भौतिक सुख संपन्नता, लव रोमांस और विवाह का कारक ग्रह शुक्र पिछले हफ्ते 14 फरवरी 2021 को अस्त हुआ था और अब यही शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहा है। 21 फरवरी 2021 दिन रविवार को शुक्र ग्रह मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और 17 मार्च तक कुंभ राशि में ही बना रहेगा। शुक्र ग्रह का यह राशि परिवर्तन 21 फरवरी की रात्रि 2:19 पर होगा। कुंभ राशि में पहले से ही सूर्य और बुध ग्रह मौजूद हैं। अब शुक्र ग्रह के प्रवेश से वहां एक साथ 3 ग्रहों की मौजूदगी होगी। ज्योतिष गणना के अनुसार शुक्र का राशि परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण है। सभी राशियों पर इसका गहरा असर देखने को मिल सकता है। शुक्र के कुंभ राशि में आने से किन राशि वालों को लाभ होगा और किन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मेष राशि वालों को शुक्र के इस राशि परिवर्तन से व्यापार में लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहेगा। कहीं लंबे समय से अगर पैसा अटका हुआ है तो उसके वापस मिलने की संभावना है। कोई शुभ समाचार मिल सकता है जिससे परिवार में खुशियां आएंगी और आपसी प्रेम बढ़ेगा। वृषभ राशि, शुक्र के कुंभ राशि में प्रवेश से वृषभ राशि वालों को सुखद परिणाम मिलेंगे। अगर कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो वह पूरा हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के साथ ही व्यापार करने वालों को भी उन्नति और तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। यात्रा का लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अनुकूल है। मिथुन राशि वालों के भाग्य का साथ मिलेगा। जिन लोगों को नौकरी की तलाश है उन्हें नए अवसर मिलेंगे। आमदनी के नए स्रोत बन सकते हैं जिससे आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। अगर व्यापार करते हैं तो बिजनेस को आगे बढ़ाने की योजनाएं सफल होंगी। नौकरी में प्रमोशन की संभावना है। संतान का सुख प्राप्त होगा। कर्क राशि वालों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र या ऑफिस में किसी वजह से विवाद हो सकता है। गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं और आप अपनी सेहत का भी खास ध्यान रखें, इसलिए आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि अचानक धन लाभ के भी संभावनाएं हैं। सिंह राशि वालों के लिए मिला जुला समय रहने वाला है। सरकारी कार्य पूरे होंगे, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। धर्म और पूजा पाठ में रुचि बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, लेकिन अपनी वाणी और भावनाओं पर नियंत्रण रखें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। कन्या राशि वालों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। विवाह में देरी हो सकती है या फिर शादी का प्रस्ताव भी टूट सकता है। जीवन साथी के साथ मन मुटाव हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। गुप्त शत्रु हानि पहुंचा सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए शानदार परिणाम मिल सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए यह समय शुभ है। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो परिणाम अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से आप मजबूत बनेंगे। नौकरी और व्यापार में लाभ होगा। संतान से संबंधित समस्याएं दूर होंगी। वृश्चिक राशि वालों को मिला जुला असर मिलने वाला है। व्यापार में उन्नति होगी। मकान बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए समय अनुकूल है। वाहन भी खरीद सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, लेकिन अपनी वाणी पर संयम रखें वरना हानि हो सकती है। अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखकर ही काम करें तभी सफलता मिलेगी। धनु राशि, शुक्र का यह गोचर धनु राशि वालों के लिए स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। इस दौरान छोटे भाई बहनों से मतभेद बढ़ने की संभावना है, इसलिए अलगाव की स्थिति ना आना दें। नौकरी पेशा और बिजनेस करने वालों को लाभ होगा और सरकारी कामों में भी सफलता मिलेगी।
मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह समय शुभ होगा। अचानक आय में वृद्धि होगी, समाज में सम्मान बढ़ेगा, अच्छी नौकरी के अवसर मिलेंगे, व्यापार में भी लाभ होगा, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और प्रेम संबंधों के साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आएगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय काफ़ी लाभकारी रहने वाला है। भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होगी, मकान वाहन खरीद सकते हैं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना सफल रहेगा, धन लाभ के योग हैं, संतान की प्राप्ति हो सकती है, सेहत भी अच्छा रहेगा, खर्च पर नियंत्रण रखें। मीन राशि। मीन राशि के जातकों को इस दौरान उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, खर्च बढ़ेगा, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, दाम्पत्य जीवन में मुश्किलें आएंगी, विवाह से जुड़े मामलों में देरी हो सकता है, विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अनुकूल नहीं है।